हाय शिवाजी, यू हियर मी? हेलो। या नाउ आई हियर यू। यू हियर मी? शिवाजी, डू यू हियर मी? या या सो टेल मी शिवाजी, हाउ यू गॉट माय कॉन्टैक्ट? आई गॉट इट थ्रू यूट्यूब। ओके, सो हाउ इज वेदर इन लैटविया? इट्स वेरी कोल्ड ओवर हियर एंड द टेम्परेचर इज डाउन। ओके, सो एक्चुअली यू गाइस केम टू द माल्टा। या हाउ आई केम टू माल्टा। व्हाट्स योर स्टोरी? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी? मैं लातविया में, मैं माल्टा में आया था शुरू में ऑन माल्टा वर्क परमिट। जब मैं माल्टा आ गया, मेरा फ्लाइट रात को 10 बजे लैंड हुआ माल्टा में, और मेरे को बोला गया था कि तुम यहाँ पे आओ, मेरा बंदा तुमको पिकअप करेगा यहाँ पे। सो लेकिन एक्चुअली मैं आई एम सॉरी, सो हाउ यू केम टू द माल्टा विद होम? हु इज योर एजेंट, एंड हाउ यू सिलेक्टेड माल्टा? हाउ यू सिलेक्टेड माल्टा फर्स्ट? एक्चुअली मैं अनिल कुमार है, जो हैदराबाद में उनका कंसल्टेंसी है, एब्रॉड स्टडी प्लान करके, कुकुटपल्ली में। मैं उनके थ्रू आया था। एक्चुअली मेरा दोस्त था जो उनके थ्रू आया था, तो मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था। लेकिन बात यह है कि अनिल कुमार क्या करते हैं कि किसी बंदे को यहाँ पे लाने के लिए उन बंदों को 50,000 रुपये देते हैं, हर लड़के का 50,000 दे देते हैं। तो उन्होंने मेरे दोस्त को 50,000 रुपये दिया था, और मेरे दोस्त ने मुझे रियलिटी नहीं बताई थी कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। मुझे बोला गया था कि यू विल गेट आपको टीआरपी 15 दिन में मिलेगा, और 15 दिन के बाद आपको जॉब मिलेगी। तो मेरे दोस्त ने भी मुझे सच्चाई नहीं बताई। कौन सा जॉब मिलेगी बोला ये? एक्चुअली मैं शेफ हूँ प्रोफेशन से। एक्चुअली मैं शेफ के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ आने के बाद मेरे को बोला गया कि यू हैव टू डू द डिलीवरी जॉब। एक्चुअली वो मेरा प्रोफेशन ही नहीं है, मैं क्यों करूँ वो जॉब? तो मेरे दोस्त ने भी मेरे को झूठ बोला था कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, जॉब अच्छा मिलता है, और मेरे को बोला था आपको सैलरी 2,000 यूरो से 2,500 यूरो तक तो मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बाद में मैं आया यहाँ पे माल्टा में, तो मैं 10 बजे आया था, और मैं उसके बाद मैंने अनिल कुमार को बहुत सारे मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैं सुबह 9 बजे तक एयरपोर्ट पे बैठा रहा। तो बाद में मैं परेशान होकर मेरे दोस्त को कॉल किया, तो उन्हें उसने मेरे लिए एक कार अरेंज किया, और मैं उसके फ्लैट पे गया वहां पे। तो उधर मैं रुका, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं जो कंपनी से आया था, जेमेट टेरेंस मैकॉन, तो एक्चुअली वो कंपनी बंद है यहाँ पे। तो 2 दिन बाद मैंने अनिल से कांटेक्ट किया, उसका बंदा यहाँ पे वामसी करके बंदा था माल्टा में, तो उसने मुझे बोला कि हाँ वो बंद हो गया है, तुमको वो फिर से रिअप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बोला उसको टाइम कितना लगेगा? तो उसने कहा कि उसके लिए कम से कम आपको 1 महीना लगेगा। तो आई क्वेश्चन हिम कि ये बाकी के बंदे लोग मेरे पहले से आए हुए, उन्होंने अप्लाई किया है, 2 2 महीना हो चुका है, अभी तक उनका कार्ड नहीं आया, और तुम कैसे कह रहे हो कि 1 महीने में हो जाएगा? तो बाद में वो बोला कि 3 महीना लगेगा, कम से 2.5 या 3 महीना लगेगा। तो मैंने पूछा कि अब ये प्रॉब्लम तुम्हारा है, इधर का रेंट, मेरा खाने का, ये पैसा कौन भरेगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि तो खुद को भरना पड़ेगा अनिल आपको। को पूछा तो? मैं पूछा अनिल से, अनिल ने मेरे को वो बोलेगा, उन्होंने कहा कि मेरा बंदा है वहां पे, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। तो मेरे को खुद बोला कि आपको पे करना पड़ेगा, ये जो भी इधर का रहने का खाने का खर्चा होगा। मैंने कहा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो बोला ये अभी बंद हो गया, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा मैं इतने दिन रुक नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया लातविया का, कि उन्होंने बोला कि तुम लातविया आ जाओ, 1 महीने के अंदर ही आपको इधर का टीआरपी मिलेगा और जॉब मिलेगी। तो मैंने कहा उधर जाने का खर्चा कौन पे करेगा फ्लाइट का? वो बोला ये तो तुम्हें, वो तुमको ही पे करना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं क्यों भुगतू तुम्हारे प्रॉब्लम का, मैं क्यों
पे करो उधर। मैं बोला देन यू डोंट हैव ऑप्शन, तुमको वहां पे जाना है तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको खुद से जाना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं मजबूर था, तो मैंने सोच लिया कि ठीक है भाई वहां चले जाएंगे, अच्छा जॉब मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं लातविया में आ गया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर वो बोला कि अपन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पे जॉब भी मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे सब कमीशन पे काम चलता है, जो यहाँ आने के बाद आपको जो रूम दिया जाता है वो अनिल खुद देता है, लेकिन वो रूम रहता है 500 यूरो का, तो हमसे वो 1000-1200 यूरो में बेचता है हमको ही, हमसे उतना पैसा लेता है। और डिपॉजिट भी कम रहता है, लेकिन वो डिपॉजिट का भी पैसा हमसे लेता है। मीन्स एवरीवेयर वी हैव टू पे कमीशन, हर चीज के लिए आप पैसा मांगा जाता है। एक्चुअली हमें कहा गया था कि आपका इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, आपका हाउसिंग अथॉरिटी, वो जो फीस दिया है 5 लाख में, उसमें इंक्लूड था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये बंदे हाथ ऊपर कर देते कि नहीं, बोलते ये आपको ही पे करना पड़ेगा। तो हाँ, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। शिवाजी, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, नॉट ओनली इन लैटविया, इन माल्टा ऑल्सो. आई गॉट अ लॉट ऑफ मेनी मेनी कॉल्स एंड नो मेनी मैसेजेस फ्रॉम माल्टा, एंड रिसेंटली आई एम गेटिंग फ्रॉम लैटविया एज वेल. आई डोंट नो, ओके आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब यू योर कॉन्वर्जेशन. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट्स नॉट न्यू फॉर यू. आई मीन लाइक इट्स नॉट न्यू फॉर मी. I heard या करेक्ट a lot of victims are calling to me and asking me that how I can like I mean like they're asking me help like how to do. So what is the करेक्ट help I can do, like information, sharing the information is like the main help I'm doing. So I don't know how many victims are there in Latvia. I don't know from Malta. नहीं, यहाँ पे बहुत सारे विक्टिम है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने पे किया है, उन्हें डर लगता है अपना पैसा डूब जाएगा, कोई आगे नहीं आ रहा। देर आर सो मेनी पीपल इन लातविया, इन माल्टा, इवन दे आर, वी आर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विथ इच अदर व्हाट वी आर फेसिंग, बट वो आगे नहीं आ रहे ना बच्चे लोग, वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं उनका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आदमी सीधा ब्लॉक कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। अभी द सेम थिंग हैपेंड पैसा है फॉर ना, द श्रीनिवास एज वेल. सेम थिंग They did the सबको। same thing for the Srinivas as well. They now Srinivas Scott is already TRP is already cancelled. You know he's living illegally in some other countries. He don't have an करेक्ट करेक्ट option. He don't have option. He don't want to go back to India because he already paid 5 lakhs to him. Around 5 or 4 lakhs he paid, and he want to end. He want to return that money, right? So he I think he asked. Anil and Anil said that like no, he can't give any return money to him. So he just want to stay illegally in some other countries, and he want to end that money, and he want his plan is to end that 4 lakh or 5 lakh and go back to India. So Okay. that's the story of Srinivas as well. I don't Okay. know. He said that I see one video. He posted like he's there are a lot of people are doing Bolt jobs, delivery jobs who came from Malta. हाँ वही हो रहा है, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बिकॉज देर इज नो ऑप्शन, उस अनिल के पास दूसरा जॉब ही नहीं है, यही जॉब दिलाता है सबको। या आओ कौन सा भी प्रोफेशन हो, यू यू कम हियर एंड यू डू बोल्ट बोल्ट, व्हाट But इज how they दिस? are doing Bolt and Volt because you don't have a Bolt account, right? How you are getting Bolt account? हमें जो बोल्ट का अकाउंट मिलता है ना, वो अनिल किसी बंदे से लेता है, वो चार्जेस होते हैं उसके, 200 यूरो चार्जेस रहता है, जो आईडी दूसरों का आईडी लेके हमको दे देता है, और उसके हमसे चार्जेस लेता है 200 यूरो। वी हैव टू पे टू दो सौ यूरो हंड्रेड पर महीना दो पर पर मंथ वी हैव टू पे 200 यूरो मंथ फॉर द अकाउंट, बोल्ट अकाउंट. फॉर द बोर्ड अकाउंट। And हर what चीज about में वो accommodation? पैसा ही लेता है। सॉरी, What about accommodation? अकोमोडेशन, अभी हम जिस अकाउंट, हम जहाँ पे रह रहे थे ना, वो एक्चुअली मुझे लगता है वो रूम का रेंट होगा 500 अराउंड पर मंथ, 500 यूरो अराउंड पर मंथ। लेकिन हम वहाँ पे 5 बंदे रुके हुए थे, तो अनिल ने हमसे हर बंदे से 200 200 यूरो रुपीज लिया।
मीन्स 5 बंदों का 1,000 यूरो लिया, जो रूम था 400 और 500 यूरो का, और ऊपर से सबसे दो 200 200 यूरो डिपॉजिट भी ले लिया। ऐसे हालत है यहाँ पे। एंड जब वो हमने उसको पूछा कि हमारा यूटिलिटी का बिल आया था, तो हमने उसे पूछा कि वो यूटिलिटी का बिल दे दो, तो बोल रहा है वो बिल नहीं मिलेगा, उतना 300 रुपये आया है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ दिखाते भी नहीं है डॉक्यूमेंट, जो हम जब मांगते हैं प्रूफ तो कुछ दिखाते भी नहीं, Totally, ऐसे यहाँ पे हो रहा it's really cheating. You know, they have to show that at least utility bills and all. Like, you know, even for the agreement, who you are staying in the Latvia, you need to declare your residence where you are staying. है। हाँ, वो मैं वो भी बता रहा हूँ, जब बच्चों ने एग्रीमेंट मांगा वो टीआरपी के लिए, तो उसने बोला कि एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपको दूसरा एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, जो आपको मैं एक बंदा है उसके पास जाओ और उसको 80 यूरो दे दो, तो वो आपको उधर से एग्रीमेंट मिलेगा। हमारा खुद का एग्रीमेंट होके वो बोल रहा है कि तुम उधर से 80 यूरो में एग्रीमेंट ले लो, ऐसे बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है ना जो एग्रीमेंट में रूम रेंट कितना है, 400 500 यूरो है, ये बच्चे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो ऐसे चीजें कर रहा है यहाँ पे, वी आर फेसिंग सच ए प्रॉब्लम। और मैं 1 महीने से कॉल कर रहा हूँ, मेरे को बोला गया था कि 30 तारीख को तुम्हारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ, मेरा इंश्योरेंस नहीं हुआ है। और हमने पूछा था उनको कि इधर पीसीसी मैंडेटरी है यहाँ पे, तो बोला कि नहीं आपको डरने का कुछ जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज करेगा, सब मैनेज करेगा, अब हर मैनेज चीज के लिए मैनेज करेगा. करेगा। कहाँ से मैनेज करेगा, हमको चूतिया बना रहा है। He will manage everything. और मैं जब पूछा वो पीसीसी का क्या है, तो बोलेगा मैं खुद मैनेज करेगा, वो पीसीसी में लाएगा इंडिया से, हमने अप्लाई नहीं किया है, एम्बेसी में अप्लाई नहीं किया, खुद अप्लाई नहीं, ये पीसीसी लाएगा कहाँ से, या अभी क्या करेगा वो, हमको टीआरपी दिलवाएगा, और बाद में प्रॉब्लम हमको फेस होगा ना, जब वेरीफाई होगा हमारा पीसीसी, ये प्रॉब्लम हमको क्रिएट करेगा ना। ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये चीजें, Exactly. So ऐसी चीजें यहाँ पे। how many people देर आर सो they are हाँ staying हाँ in बोलिए। Latvia? How many people are staying in Latvia? These victims, ये एज victims. पर मी अभी मेरे को जो पता है, कम से कम यहाँ 15 20 बच्चे होंगे जो माल्टा से आए हुए, लेकिन लास्ट वीक में कुछ बच्चे यहाँ से चले गए, 5 6 बच्चे यहाँ से चले गए माल्टा वापिस, क्योंकि आने ने उनका कुछ काम ही नहीं किया, ये वेदर ही ऐसा है इतना, वो साइकिल पे कैसे यहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस है, तो साइकिल पे डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है। और जब हम कार रेंट पे लेते हैं तो उसका आप उनको 150 यूरो डिपॉजिट देना पड़ता है, 200 यूरो कार का रेंट देना पड़ता है, और महीने का गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा 300 रुपये होता है। हम कमाएंगे कितना और बचाएंगे कितना, ये कमाने का और अनिल कुमार को देने का ऐसा है यहाँ पे चल रहा है, बाकी कुछ रहेगा. नहीं। Exactly. Whatever you are earning here, you need to pay to him. Like, no, see, you need to pay for the room, you need to pay for the Bolt account, you need to pay for the car, and you need to survive, right? So the everything you need to pay to him, because like he is giving all the service to you. His business All is the like service to that. you. This is the business Actually, of he has Anil made Kumar. business. He has made He's the good, business. yeah, He he's has the made good business business here. actually. Whatever what he's He's doing, earning he's business. here. He's the businessman, you know. He's a businessman. He's a business. He People. thinks only about the business. No, he don't think about the people. He don't want to, you know, touch with the people. He will bring the people here. He will say that, like, no, you got the card, you got the work permit or not. You got the card. I promise you that you will get the card. So you got the card now. You have to work with your skills. That's it. That's तो his ऐसे business. हो रहा है ना, Whatever वी I हैव heard टू some प्रूव, voice records. This is what he is saying to the people. लेकिन वो लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है ना, इंडिया में वो कॉन्फ्रेंस में वीडियो यूट्यूब में वो अलग बोलता है, वो जो बोलता है पूरा उसमें से 60 70% पूरा फेक होता है, लेकिन सच्चाई यहाँ आने पर Recently, यहाँ आ recently Latvia won Basha Bhai. You see the Basha Bhai video. या आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, So I think that's also is a fake video. No, I think he pushed that is him. also a fake.
द थिंग इज दैट ही इज प्रोवाइडिंग मनी टू दोस पीपल, 50-50,000 एज अ कमीशन, एंड दे आर स्पीकिंग वॉट एवर ही इज टेलिंग. ही डिड सेम विथ दैट श्रीनिवास. यहाँ आके श्रीनिवास उन्होंने फिर एक वीडियो बनाया, दैट वॉर वो शब्द जो थे वो श्रीनिवास के नहीं थे. ही वॉज इन फ्रस्ट्रेशन, वट एवर ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज दे अनिल के शब्द थे, वो जो भी बोल रहा था वो अनिल बोल रहा था उसके मुंह से. दैट वॉज नॉट श्रीनिवास एक्चुअली. ही इज डूइंग सेम थिंग. So what can I help you? What help I can do for you? And he is even providing this fake PCC. I told him I don't want this fake PCC. I don't want TRP. I want my money return. He's telling you will not get the money. Go to India. And he has blocked my number. He is not making any contact. उसे कुछ लेना देना नहीं है. ये बच्चे लोग यहाँ से बैंक से लोन लेके आए हुए हैं. वो बोलता है मुझे कुछ लेना देना नहीं, आपको किसने बोला लोन लेने के लिए. और जब हम उसे पूछते हैं कि ये तुम 3 महीना लगा रहे हो, ये किसका किसका प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है फिर ये हमारा प्रॉब्लम समझ में नहीं आता उसको, और उसके प्रॉब्लम हम क्यों समझे फिर. दैट इज द प्रॉब्लम ना. Exactly. Understood. I understood your pain, Shivaji. So हर what we can do? What do you want to do? आई वॉन्ट टू टेल पीपल, जो जो भी इंडिया में जिन बच्चों ने उन अनिल के थ्रू अप्लाई किया है, मैं तो यही कहूंगा Can you कि open this one? People can recognize you. एक्चुअली मैं यही चाहूंगा कि जो बच्चे लोग अनिल के थ्रू आ रहे हैं वो आओ मत. दैट ही उसने सब फेक प्रॉमिस किया हुआ है. जो आपको जो उधर इंडिया में बोला है वो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है. वो आपको अकॉर्डिंग टू हिम ट्रीट करता है. यहाँ आने पर यहाँ पे बहुत बुरे हालात है. आओ ही मत, मैं कहूंगा जो बच्चों ने अप्लाई किया है जिनका वीजा उनके पास है, आओ ही मत. उधर इंडिया में अच्छा कुछ बिजनेस कर लो, इधर आके ये पूरा पैसा अनिल ही हजम कर लेता है भाई. आओ ही मत, यही सच्चाई है. पीपल शुड नो द रियलिटी. लोगों को पता नहीं आपके दो आपको अभी ये वीडियो देखने के बाद आपके इधर कोई दोस्त होगा तो आप उनको कॉल करेंगे, पूछेंगे, लेकिन वो सच्चाई नहीं बताएंगे क्योंकि वो डरते हैं. क्योंकि उनको लगता है कि अनिल को पता चलेगा तो हमारा ये पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमको कार्ड नहीं मिलेगा. तो ये वो कॉल करेंगे, वो बोलते हैं अच्छा ही है, लेकिन अच्छा कुछ नहीं. यहाँ पे ये सबके साथ खेल रहा है, सबकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, सब बच्चों के साथ खेल रहा है. मैंने उसे कहा मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, तो बोल रहा है डू व्हाट एवर यू वांट टू डू. He वो said यहाँ पे डरता नहीं है. हाँ, that word, like do whatever you want to do. आई हैव दैट ऑन व्हाट्सएप चैट. वो बोला है करो तुमको जो करना है. So why can't you go and I mean like a complaint in immigration or police station, something like that? इवन एम्बेसी हैड अप्रोच मी, इवन एम्बेसी इन स्वीडन. मैं इंडिया से मेरे रिलेटिव्स है उधर से मैं बात करवाया एम्बेसी को, और एम्बेसी से मेरे को मैं उधर जाना चाहता हूँ ना एम्बेसी में. मेरे को बोला उन्होंने मुझे कहा कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पे आप FIR दे दो. जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो मैंने उन्हें अपनी बात रखी. वो बोल रहे कि हम कुछ एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, बिकॉज ही डूइंग ऑल द नुसेंस थिंग ओवर हियर. पूरा जो माल्टा में किया है उसके खिलाफ माल्टा में बहुत सारे लोग परेशान है. नाउ ही इज डूइंग सेम थिंग इन लातविया. वॉट इज दिस? एंड ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ. ही इज थिंकिंग दैट इज अबव द लॉ. ही इज No, he's डूइंग वॉट एवर ही no. वॉन्ट. What the problem here is, he's Indian citizen. Here, करेक्ट. you don't have any proof that like did you take a receipt from him that whatever you paid in या India? आई डू हैव रिसीप्ट, आई डू हैव What रिसीप्ट. do आई you have? Is there any GST number on that invoice? Is that receipt आई or डू is हैव that invoice? आई आई डू हैव स्टैम्प. 100 रुपीज स्टैम्प जो होता है ना उसके ऊपर उसके कंसल्टेंसी का स्टैम्पिंग वगैरह है. मैं खुद उनके ऑफिस से लिया हुआ, वो So मेरे I पास है, सब प्रूफ है. now we need to take the invoice from them. If it is a office, they have to give the bill with invoice, and that invoice should be having GST number and everything.
We don't know how much ओके he is taking. For example, he will show some amount in the reality. He will show 1 lakh rupee or 2 lakh rupees, but you paid 5 lakh rupee. If you go and आई file पेड a 5 लाख रुपीज. if you if he did something for you, if you go and file a case, they will ask what are the proofs. If you show that proofs, if it is like 1 lakh or 50,000, they will say that like you paid only 50,000. I do have all the proofs. I have bank statement. I have the bank slips which I have paid to him. I do have all the proof. So you can here people can't do anything. Here police people can't do anything. The only problem here is you can't do. That's why he is staying in Lithuania, Latvia. He's not even in Correct, Lithuania. correct. He's staying only in Latvia because he's very afraid now. So he don't want to go back to Malta. Malta police people really. I spoke with a few of members in Malta. The Indian community members, big persons, and they said that like the people are waiting for him to block. If once he go to Malta, he will finish. If Yes, he go to correct, correct. India, if he go to India, he will finish for sure. That's why he's staying Correct. in Latvia. Correct, 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 So correct. people in लेकिन वो India. लोग People in India, they have to understand, they have to go and file a case. Maybe if you are cheated by him, I personally suggest go and take a serious action. And even in India, the people are calling me and like they are saying that even in India also, there are some people, this Anil team members, they are saying that whatever you want to do, you can do in India itself. They are really, literally, they are saying that do whatever you want. करेक्ट करेक्ट They ऐसे are ही हो रहा है. bribing करेक्ट the people, they are bribing the police as well. करेक्ट So you want to go to the not in the no small stations, no, small PSN. नो नो Go to the DSP or maybe go to the higher authorities of the police team and complain, file a complaint, take a serious action for sure. He will be stopped this fake consultancy services. Correct, correct. And there are near about 30 students who have contacted me from Malta. They have told we have to take a serious action against him. वो बोल रहे कि हम इंडिया जाके उसके खिलाफ उधर पुलिस स्टेशन में हम सीधा यहाँ से जाके उसके ऑफिस चले जाएंगे और उधर उसका कंप्लेन कर देंगे. बहुत सारे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है उसके, लेकिन क्या है अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं. इतने फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, घर वालों से कब तक पैसा मंगाएंगे. घर वाले भी बोल रहे कि आप उधर जॉब के लिए गए गए हैं और पैसा हमें मांग रहे हैं, क्योंकि दो दो तीन तीन महीना हो गया है यहाँ आके. हमें खुद पे करना पड़ रहा है पैसा, उधर रेंट के लिए पे करना पड़ता है, खाने के लिए, बाकी की बहुत सारी चीजें यहाँ पे बाकी का खर्चा है. विल पे दिस व्हेन वी, जब हम उसको एक क्वेश्चन पूछते हैं तो हंस के बोलता है कि नो यू हैव टू पे दैट. व्हाट इज दिस? So now you are asking your parents to send money to you to staying there. Yeah, I'm asking. Even I don't have money to book a flight ticket. I'm asking him कि एटलीस्ट मेरा फ्लाइट का टिकट बुक करा दो, लेकिन उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है. अब हम बात किससे करें? ये So ऐसे हो रहा है. why can't you go? He is in Latvia only, right? Why can't you go and speak directly to him face to face? लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है ना, वो उसके बंदे लोगों को भेजता है यहाँ पे, वो खुद सामने नहीं आ रहा है. यहाँ पे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है. उधर जो इंडिया में जितने बंदे लोग गए वो इधर आना चाहते उसके थ्रू, इट्स माय जीनियन रिक्वेस्ट टू देम, डोंट कम. जो आपने जो भी पैसा दिया हुआ है उससे वापस ले लो, यहाँ आके आप पूरी तरह फंस जाएंगे. यहाँ की सच्चाई आपको पता. People don't listen, Shivaji. People don't listen. They are very crazy to come to Europe. That's the point. That's the main point. Loop point. He grabbed up the people who are like in middle class people. They want to earn some money. They want to grow fast. So he's showing all the things like good. He's I mean like he's lying actually. He's lying to the people in India and saying whatever what he's not capable to do.
But he's saying all he's giving the, all the promises for the people in India and bringing to Europe, and people are really suffering a lot. So that my main motto is to stop that people. Yes, correct, After correct. coming here, see, I can't help you anything. At least I can help you by communicating the people, sharing the information, the reality information, what I'm doing. Like, I don't have anything. Like, no, I don't get anything from these videos and all. Like, I don't want, actually. Correct, I'm correct, doing correct. my job here. It's enough for me. It's enough for me. I don't Correct. want to, I'm not like, you know, for these videos. Okay, I'll get the fame, I'll get the subscribers, I'll get the No, no, money from the YouTube. No, my channel is very small channel, so I'm not expecting any money from my YouTube channel and my videos. correct, correct. Whatever it is, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई Yes, आनी चाहिए. exactly. So Shivaji, I have a class, Lithuanian class. I have to go. So let me. I'll advise you. I'll be keep in touch with you. So Okay. should I? What should I do like now? Like, should I post this video or like what you want? Yeah, you can post this video on YouTube. You have to, please. It's my genuine request. You can put it on whatever media sites are there, you can put it over there. No problem. Maybe you can also make a video from your YouTube channel as well. Do you have YouTube Yes, channel? even I can make, but you have more subscriber than me because most of the people are coming from Hyderabad. They Yeah, should know it. exactly. Okay, Shivaji, thanks for the contacting me. I'll be touch with you. If I have any, I have few friends in Latvia. Okay. I can ask what help, like a small help, maybe some favor. I will ask my friends to do, if they capable to do. I'll be keep touch with you in Facebook. Okay. 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 Okay, Okay. thank you. Okay, Shivaji. Okay, Shivaji. Thank you, and Thank you. good luck. Take care of your health. Okay. Okay. Be strong. Okay, thank Be you so much. strong, and Okay. fight for the truth. Yeah, correct. Yep. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.